नमस्कार सभी लोगों को मेरा। तो आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं पीएनबी के बारे में। पीएनबी की हम लोग पूरा फुल एनालिसिस करेंगे, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 1 डे पे, पूरा एनालिसिस करके और एनालिसिस करके टेक्निकल एनालिसिस से आप लोगों को पूरा बताएंगे, फॉरकास्ट करेंगे कि आगे पीएनबी के क्या लेवल्स रहने वाले हैं और क्या टारगेट हम लोग को रहने वाले हैं और हम लोग आगे क्या प्लान कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं पहले 1 डे से लॉन्ग टर्म वालों के लिए, फिर लास्ट में आएंगे 5 मिनट के, धीरे धीरे से टाइम फ्रेम कम करते हुए आएंगे हम लोग। ठीक, तो जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि पीएनबी का ये जो केक क्रूशियल लेवल था, आज इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। इसको ब्रेक डाउन करने के बाद ये माइनस अपना 7% अपने इसका 7% आज ये माइनस गिरावट में आ चुका है। ओके, तो अब इसका जो नेक्स्ट लेवल रहने वाला, हम लोग को नेक्स्ट लेवल क्या मिल सकते हैं इसके, ठीक, पहले हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और तो हम लोग का नेक्स्ट लेवल जो पीएनबी के डाउन साइड में रहने वाले हैं, हम लोग का 1.43 रुपीज़ का बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर ये तोड़ता है तो फिर बड़े हम लोग को गिरावट मिल सकती है, तो हम लोग की फिर गिरा मार्केट जल्दी जल्दी संभलेगी नहीं। वैसे अभी इसके लिए 43 आना कम जल्दी इतनी जल्दी नहीं आने वाला है। तो जो हम लोग का पहला आने वाला है कि हम लोग की संभावना कहाँ तक आ सकता है, वो हम लोग का लेवल है अराउंड 48 रुपीज़ का। ओके, 49 49 सॉरी गाइस, वो जो हम लोग का अभी का पीएनबी का रहने वाला है, जो डाउन साइड का लेवल रहने वाला है वो है 48 रुपीज़ का, ठीक, 48.30 का जो डाउन साइड में रहने वाला है। और फिर अप साइड का अगर हम लोग बात करते हैं, तो अप साइड को अगर ये 52 ब्रेक आउट करता है वापस, हम लोग को पर ऊपर की तरफ ही जा मूवमेंट दिखा सकता है। हम लोग बढ़ते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, इंट्राडे के लिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हम लोग को क्या दिखता हुआ मिल रहा है पीएनबी में, देखिए पीएनबी में आज एकदम शार्प सेलिंग आई है। पीएनबी हम लोग को वहीं पे नीचे देखिए, यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक बन रहा है और ये भी एक ये हैंगिंग मैन बन रहा है, इसके बाद हैमर बन चुका है। तो यहाँ पे हम लोग को ये लग रहा है, यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं, या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा फिर मार्केट मूवमेंट दिखाएगा अप में या डाउन में, या तो फिर ये मार्केट यहीं पे भी थोड़े दिन तक इसी में वक्त बिताएगा, 49 से लेके 52 तक, 51 तक प्राइस में। ओके, अब इंट्राडे वाले क्या कर सकते हैं, जैसे ये हम लोग का बेस लेवल है कितना 49.35 का, 49.35 को अगर वो बाउंस बैक करता है, यहाँ फिर से मार्केट आता है बाउंस बैक करके अब जाता है, तो हम लोग कॉल साइड में छोटा सा छोटी सी वो इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं वो कॉल साइड के लिए, मतलब अप जाने के लिए। ओके, डाउन साइड का सिनेरियो अभी इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है क्योंकि आज इसमें गिरावट 7% की आ चुकी है, तो अब यहाँ पे एक रिटेस्ट आने के लिए ऊपर जा सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 मिनट पे क्या दिखने वाले हैं, 5 मिनट जो एकदम ही शॉर्ट के लिए करते हैं, 15 मिनट तो स्विंग ट्रेडिंग जो, और शॉर्ट में एकदम देखें तो हम लोग का ये दिखने वाला अबव टारगेट दिख रहे हैं, जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 51.65 का एक रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है पीएनबी में, ठीक। तो जब तक जैसे ये तोड़ता है आप लोग अच्छी एक वो पोजीशन फ्रेश पोजीशन बाय कर सकते हैं, ठीक। अगर आप लोग को यहाँ से फिर से बाउंस बैक मिलता है तो यहाँ तक आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर फिर से बाउंस बैक जाता है तो अबव टारगेट आप फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये रहा हम लोग का पीएनबी का पूरा ओवरव्यू, हमने बता दिया है। अब बात करते हैं कि इस पीएनबी का ओवरऑल क्या सेंटीमेंट चल रहा है। वैसे पीएनबी का ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो अभी तो बहुत दिनों से बुलिश में ट्रेंड में था, अब इसमें थोड़ा रिटेस्ट आएगा और रिवर्सल करेगा, थोड़ा यहाँ पे नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा फिर वापस से बाउंस बैक करेगा, इस वजह से थोड़ा इसमें हर्डल आने वाले हैं, डाउन ट्रेंड रहने वाला थोड़े दिन तक, इसके बाद ही वापस से बाउंस बैक करके अप ट्रेंड में आएगा, क्योंकि बहुत दिनों से अप ट्रेंड चल रहा था, इस वजह से थोड़ा रिटेस्ट आना कंसोलिडेशन करना ज़रूरी है, तभी बड़े टारगेट हम लोग को मिल सकते हैं। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के रखने चाहते हैं रख सकते हैं, पीएनबी एक अच्छा स्टॉक है। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड बी प्रॉफिटेबल गाइस।